फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस समय लौकी का सीज़न चल रहा है, बहुत अच्छी और कच्ची लौकी आ रही है। तो मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए हैं और ये इतने टेस्टी बने हैं कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की ओर। सबसे पहले मैंने ये आधा किलो लौकी ली है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको छील लिया है। छीलने के बाद इसको मैंने कद्दूकस किया है। कद्दूकस करने के बाद इसमें मैंने आधा चम्मच नमक मिला दिया है, क्योंकि नमक मिलाने से इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो भी बाहर आ जाता है। बाद में मैंने इसको अच्छे से निचोड़ लिया जिससे इसमें लौकी का पानी अलग हो जाए। लौकी को अच्छे से निचोड़ने के बाद इसमें मैंने एक कटोरी बेसन ऐड किया है, थोड़ा सा इसमें नमक और डाला है और एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ डाला है, आधा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है, आधा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच आमचूर का पाउडर, आधा चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच पिसा हुआ धनिया, एक चुटकी हींग, एक चम्मच वेजिटेबल ऑयल डालकर इसको अच्छे से मिक्स किया है। इसमें पानी और नहीं डालना है क्योंकि लौकी में पहले ही इतना पानी होता है। इस तरह से इसका बैटर तैयार हो गया। फिर इसमें बॉल की शेप में लौकी के कोफ्ते बनाएंगे। आप इसको कोई भी शेप, थोड़ी लंबी भी या कैसी भी शेप में बना सकती हैं। और कढ़ाई पहले से ही गर्म है, उसमें लौकी के कोफ्ते डाल देंगे। इसको पहले तेज़ फ्लेम, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे मैंने ये लौकी के कोफ्ते तैयार किए हैं। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में एक चम्मच देसी घी डाला है। देसी घी डालने के बाद एक चुटकी हींग डाली है, एक चम्मच जीरा, दो तेज़पात के पत्ते, दो लौंग, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, दो हरी मिर्च के टुकड़े और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें दो प्याज बारीक कटे हुए डालें। प्याज डालने के बाद इसको थोड़ी देर भूनेंगे। इसका कलर ब्राउन हो गया है और देखिए घी अलग और प्याज भी अलग हो गया है। फिर इसमें एक चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच आमचूर का पाउडर, एक चुटकी काली मिर्च डालकर इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। मसाला अच्छे से भुन गया है। इसके बाद इसमें एक कटोरी टमाटर की प्यूरी डालेंगे और थोड़ी देर इसको और भूनेंगे। अब भूनने के बाद इसमें एक गिलास पानी डालेंगे। पानी डालकर 5 मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। 5 मिनट बाद इसमें उबाल आ गया है। मैंने आधा कटोरी फेटा हुआ दही लिया, उसमें एक चम्मच बेसन ऐड किया है और इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद मैंने ये दही कोफ्ते की
करी में डाला है और इसको मिक्स किया। देखिए इसका कितना अच्छा कलर हो गया। फिर इसको मैंने एक चम्मच कसूरी मेथी डाली है और आधा चम्मच पुदीने का पाउडर डाला है। थोड़ी देर इसको और उबलने दिया है। फिर इसमें एक चम्मच गरम मसाला ऐड किया है और थोड़ा सा नमक और डाला है। फिर मैंने जो कोफ्ते तैयार किए थे वो इसमें ऐड किए। और इसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद कढ़ाई को मैंने 5 मिनट के लिए ढक दिया है। 5 मिनट बाद देखिए हमारे लौकी के कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए हैं और ग्रेवी का कलर भी इतना सुंदर आया है कि मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। लौकी के कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनते हैं। इनको हम एक बाउल में सर्व करेंगे। लौकी के कोफ्तों को आप चाहे तो पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, जैसे भी खाइए, हमेशा टेस्टी लगते हैं। और थोड़ी देर बाद रखने के बाद इनकी ग्रेवी भी थोड़ी सी ठीक हो जाती है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।